आजकल तो घरों में भी वो आ गया, टंकियां होती हैं ऊपर, पता नहीं चलता, अलार्म लग जाते हैं, जैसे ही उस लेवल से नीचे पानी जाता है मोटर अपने आप ऑन हो जाती है, फिर एक लेवल पे जाके मोटर अपने आप बंद हो जाती है, टेंशन ही खत्म हो गई ऑन ऑफ करने की, अपने आप पानी भरता रहता है, यूज होता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता। भगवान से एक ऐसा कनेक्शन जोड़ लो, लो होने लगो अपने आप भगवान तुम्हें फुलफिल कर देगा, ओवर होने लगोगे भगवान डाउन ले आएगा, यही तो कृपा है। बोध अंदर जो दिए उपदेश, सही सो जानेज सो दरवेश, भीतर बैठे गुरु का भगवान का काम क्या है, ओवरफ्लो, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होने देता, वापिस ले आता है आपको, और लो भी नहीं जाने देता, लेवल पे कर देता है आपको। अंदर बैठा भगवान यही तो करता रहता है सारा दिन, बराबर बैलेंस, कहीं इम्बैलेंसिंग होने ही नहीं देता। तेरा साहिब तुझ माही, बस जरा कनेक्शन लो, अपनी घर की जमीन पे समर्सिबल का मोटर लगवाते हो, पानी जमीन तेरी, तेरी जमीन के नीचे का पानी, मोटर लग गई, तेरा साहिब तुझ माही, बाहर नहीं अंदर बैठे, जरा कोई मोटर लगा लो ताकि सारा दिन लिंक बना रहे, भगवान को हाजिर नाजिर जानो, भगवान से मोहब्बत करो, भगवान पर आशिक हो जाओ, भगवान के प्रेम के सिवाय दूजा विचार ना हो तेरे अंदर, बस और क्या चाहिए। चेंज योर विजन, चेंज योर आउटलुक, हर बात में भगवान को डाल के फिर देखो, इसमें क्या भलाई करी मेरे भगवान ने, इसमें क्या भलाई करी मेरे भगवान ने, प्रसाद रूप है सब, हर परिस्थिति भगवान की तरफ से आया प्रसाद। पर जब भगवान को डाल नहीं पाते तो सोचने लगते हो क्या हुआ, क्यों हुआ, होना चाहिए था कि नहीं, सही हुआ या गलत हुआ, कैसे हुआ, सोचने लगते हो। पर अगर अपने अंदर सही बात सोच लो तो सब कुछ सही, हर बात अच्छे के लिए। अगर सोचोगे तुम्हें समझ आएगा कि इससे वर्स्ट हैपन हो सकता था, अभी भी शुक्र है, अभी भी लाखों से अच्छे हैं, अभी भी करोड़ों से अच्छे हैं, अभी भी बड़ी कृपा है भगवान की, अच्छा सोचा जा सकता है, अच्छा सोच के खुश हुआ जा सकता है, उन्हीं परिस्थितियों में भी खुश हुआ जा सकता है। एक बच्चे को मां ने पनिश किया, कमरे में बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद कमरा खोला, बच्चा टीवी चला के डांस कर रहा था, उसमें भी गाने चला रखे थे, वहां वो हीरोइन नाच रही थी, बारी बच्चा नाच रहा था, मां को और गुस्सा आ गया, बाथरूम में लॉक कर दिया, आधे घंटे बाद खोला, उसने बाथरूम टब में पानी भर के स्विमिंग एंजॉय कर रहा था वो बच्चा। तो चाहो तो हर परिस्थिति में मजा आप भी ले सकते हो ना, बस ख्यालों की बात है और कुछ नहीं, हर परिस्थिति शुक्राना मानने योग्य, हर परिस्थिति एंजॉय करने योग्य। हम लोग एक बार कहीं गए तो रास्ते में वो लैंडस्लाइड हो गई, सबने बोला रास्ता चेंज करो चेंज करो, दूसरे रास्ते गए, वहां बीच रास्ते में बोले पहाड़ गिर रहा है ऊपर से, एक मिनट में गाड़ी निकाल सकते हो, निकालो नहीं यहां भी फंस जाओगे, बड़ा रिस्क लेके गाड़ी निकाली। फिर वो रास्ता पता नहीं कहां 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 गांवों में जाता जाए, मतलब बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने वो 7-8 घंटे का रास्ता कम से कम 16 घंटे में 18 घंटे में पार किया। पर अब पता हम क्या कहते हैं, जब हम उस ट्रिप को, एडवेंचरस ट्रिप था हमारा वो, अब सोचें तो हम लोग ये कहें बड़ा दुखदायक ट्रिप था, इतनी घबराहट, कैसी कैसी खाइयों से निकले, अंधी बारिश, एक तरफ नदी एक तरफ खाई, कैसे निकले थे बाबा, याद करें तो डर जाएं। पर जब किसी को बताने लगते हैं, हम कहते हैं वो हमारा लाइफ का एडवेंचरस ट्रिप था, हमने भी एडवेंचर किया, उसमें क्या, लोगों को इनाम मिलते हैं एडवेंचरस होने पे,
हमारा भी एडवेंचरस ट्रिप था, अब उसका नाम रख दिया एडवेंचरस ट्रिप तो डर नहीं आता। और ऐसे अगर हम रोज कहें ना, बड़ा डरावना था बाबा, अभी हाथ पैर ढीले हो जाएं, लेकिन एडवेंचर नाम अच्छा दे दिया। तो लाइफ तेरी एडवेंचरस, बड़े अप डाउन देखे मैंने तो रोने लगते हो, बोलो बड़ी एडवेंचरस लाइफ रही है जी मेरी, बहुत भगवान ने ऊंचा भी उठाया नीचे भी ले आया, बड़े रंग देखे हैं जीवन में, मजा आ गया। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। अरे खाली सीता और मीरा ने नहीं देखी हालतें, हमने भी कम नहीं देखी, हम भी सीता जैसे सच्चे हैं, हम भी मीरा जैसे कृष्ण के प्रेमी हैं। रख लो अपना नाम बढ़िया सीता और मीरा जैसा, तुम्हारा नजरिया है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला ख्यालों का सारा खेल, ख्याल सही है तो सृष्टि सही है।